हेलो गाइज, कल सभी ने एक बार फिर से वन साइडेड विनिंग किया होगा स्मॉल लीग में। दो डिफरेंशियल पिक थे अपने, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई। बस थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, डेविड वॉर्नर या पृथ्वी शो में से मेरे को किसी एक को लेना था। और मैंने आपको इम्पोर्टेंट स्टेट एंड स्ट्रेटजी में बताया भी था, सबसे फर्स्ट पॉइंट यही था कि बिश्नोई ने 5 बॉल में 3 बार आउट किया और कल ऐसा ही हमें देखने को मिला। सो, आज कैसे क्या होता है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आईपीएल के मैं 16वें मैच की बात करता हूं जो कि गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच में खेला जाएगा। मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा, वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखने की कोशिश करना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आप स्किप करके देखोगे तो। ठीक है, वेन्यू बारबन स्टेडियम मुंबई में यह मैच खेला जाएगा। देखो गाइज, अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते तो आपको कुछ समझ में आता। मैंने आपको बोला भी था यहाँ पर, जब मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था, मैंने आपको साफ साफ बोला था कि तीन कॉम्बिनेशन से टीम तो आपको बनाना है। ये कॉम्बिनेशन आपको मिल गया मेगा ग्रांड लीग में। आज भी कुछ इसी प्रकार से मैं आपको बताऊँगा। साथ में देखो, कोई भी स्पिनर को नहीं लेके आया होगा स्मॉल लीग में। मैंने आपको जो ऑब्जर्वेशन किया मैंने आपको यहाँ पर बताया भी, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। साथ में देखो, मेरा एक एक दो दो प्लेयर यहाँ पर मिस हुआ, जैसे मैं एविन लुइस को नहीं ले रहा था, ठीक है, पर अगर यहाँ पर ये 3-4 प्लेयर चेंज होते तो काफ़ी बढ़िया पॉइंट देखने को मिल सकता था। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट ही अपना था कि वार्नर बिश्नोई को 4 बॉलों में 5 रन और 2 बार आउट किया था। सो गाइज, देखिए गाइज, देखो फाइनल अपडेट जो भी होगा टॉस के बाद में, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। करीबन वहां पर 32,000 मेंबर जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हो। ये मेरा बैकअप चैनल है गाइज, जहां पर ओनली मैं जीएल कॉम्बिनेशन शेयर करता हूं। ठीक है, 1-2 चेंजेस आप उस टीमों में कर सकते हो। और देखो, मेरा कोई भी प्राइम चैनल नहीं है, मैं फ्री टीम देता हूं। ठीक है, आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, ओरिजिनल चैनल यही है बिजू फैंटेसी जगुआर। ना तो इसके आगे 1 मिलेगा ना 2 मिलेगा, सिर्फ फैंटेसी जगुआर सर्च करना है, बिजू फैंटेसी जगुआर। ठीक है, यहाँ पर आप मेरे मेन चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो। अगर देखो यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बेस्ट एनालिसिस वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गाइस, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा वीडियो। अभी तक हम बात करें तो अपना कुल मिला के अच्छा ही रहा है। ठीक है, कंटिन्यू आपको मैं बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो में। देखो, पीसी रिपोर्ट की एक बार हम बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर 3 मैच हुए हैं, 3वें मैचों में हाई स्कोरिंग देखने को हमें मिला। ठीक है, देखो मैं पीसी रिपोर्ट वही बताऊँगा जो मैंने 3 मैचों में देखा है। ठीक है, अपने से खुद कुछ भी नहीं बताऊँगा, ना ही मेरे को जो एक्सपर्ट ये टॉस होने के ऊपर बताते हैं, इन पर भी मेरे को भरोसा नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 मैच इजीली चेस हो गए थे, बट लास्ट मैच में सीएसके चेस नहीं कर पाई थी मैच को। ठीक है, यहाँ पर पेसर्स ने अच्छी गेंदबाजी करवाते हैं, और देखो पेसर्स का अच्छा बोलबाला रहा है मुंबई की पिचों पर, खासकर स्विंग जो बाउंसर करवाते हैं उनका। स्पिनर ने भी अच्छी गेंदबाजी करवा लेते हैं यहाँ पर। एवरेज स्कोर आप मान के चल सकते हो, यहाँ पर 170-180 के बीच में हमें देखने को नॉर्मल मिल सकता है। टीम न्यूज़ की एक बार बात कर लेते हैं। जॉनी बेस्ट तो आज के मैच के लिए अवेलेबल है, वरुण एरोन लास्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे, तो आज इनकी जगह पर कौन खेल सकते हैं? प्रदीप सांगवान, यश दायल, दर्शन नालंगडे, इनमें से कोई एक खेलेगा। ठीक है, मैचअप प्लेयर बैटल की मैं बात कर लेता हूं पहले। शिखर धवन की मैं बात करूं, मोहम्मद शमी ने एक बार भी आउट नहीं किया शिखर धवन को, 66 बॉलों में 103 रन बनाया और एक बार भी आउट नहीं किया। ठीक है, और मोहम्मद शमी की एक खास बात आपको बता देता हूँ, फर्स्ट इनिंग में इसका अलग ही बोलबाला रहता है कंपेरिजन सेकेंड इनिंग के। ठीक है, आप उठा के देख सकते हो लास्ट आईपीएल का, और इस आईपीएल में भी आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा मैक्सिमम मैचों में। ठीक है, शिखर धवन की हम बात कर लेते हैं, राशिद खान के साथ देखें तो 35 बॉलों में 34 रन, 3 बार आउट किया, स्ट्राइक रेट 97 का है। ठीक है, 2 प्लेयर बैट। लोकी फर्ग्यूसन की बात कर लेते हैं शिखर धवन के साथ, तो 2019 में 16 बॉलों में 17 रन, 2 बार आउट किया। 2021 में 11 बॉलों में 3 रन, 1 बार आउट किया है। ठीक है, 2019 की हम T20 में बात करें तो 11 बॉलों में 22 रन, 1 बार भी आउट नहीं किया। लेविंगस्टोन की मैं बात कर लेता हूँ राशिद खान के खिलाफ, 46 बॉलों में 77 रन, 3 बार आउट किया, स्ट्राइक रेट 167 का, मतलब हिटिंग कर सकता है लेविंगस्टोन राशिद खान के सामने। ठीक है, और यहाँ पर परेशान कर सकता है राशिद खान शिखर धवन को। ठीक है, शुभमन गिल की हम बात करें राहुल चाहर के सामने, तो 19 बॉलों में 37 रन, 194 की स्ट्राइक रेट, 2 बार आउट किया है। बट शुभमन गिल की मैं बात करूँ लास्ट 2 मैचों में स्पिन बॉलर के खिलाफ 21 बॉलों में
45 रन बनाए और एक बार भी आउट नहीं हुए। स्ट्राइक रेट की हम बात करें 214 का स्ट्राइक रेट इनका है। राशिद खान की मैं बात कर लेता हूँ, पंजाब किंग्स के खिलाफ 10 मैचों में 18 विकेट लिए हैं, एवरेज 12.94 के स्ट्राइक रेट 13.33 का है, मतलब बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है इनका। ठीक है, लास्ट तीन मैच इस वेन्यू पर हमें कैसे क्या देखने को मिला, मुंबई का और डीसी का मैच हुआ डे नाइट। ठीक है, पेसर्स फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट, सेकंड इनिंग में 4 विकेट, स्पिनर फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट, सेकंड इनिंग में 2 विकेट। सीएसके की मैं बात कर लेता हूँ, नाइट मैच हाई स्कोरिंग रहा, पेसर्स चार विकेट सेकंड दोनों इनिंग में, स्पिनर फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट निकाला। फिर पीबीकेएस का और सीएसके के साथ रहा यहाँ पर नाइट मैच, 180 पे 8 बना, 126 पे ऑल आउट। तो पेसर्स देखो फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट, पेसर्स सेकंड इनिंग में 5 विकेट, स्पिनर फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट, सेकंड इनिंग में 5 विकेट। अब देखो शॉर्ट लिस्ट स्ट्रेटजी क्या है, लेग स्पिन बॉलर की हम ऑब्जर्वेशन करें लास्ट तीन मैचों में। फर्स्ट इनिंग में कुलदीप यादव यहाँ पर 3 विकेट लिया है, एम अश्विन 2 विकेट लेके आया। सेकंड मैच की हम बात करें, फर्स्ट इनिंग में रवि बिश्नोई ने यहाँ पर 2 विकेट निकाले। थर्ड मैच की हम यहाँ पर बात करते हैं, राहुल चाहर 3 विकेट, सेकंड इनिंग में लिविंगस्टोन 2 विकेट। और आज हमारे पास दो लेग स्पिनर मौजूद हैं, राहुल चाहर और लिविंगस्टोन। ठीक है, उसके साथ में राशिद खान मस्ट पिक हो सकते हैं। देखो राहुल तेवतिया भी लेग स्पिनर, बट लास्ट मैच में सिर्फ एक ही ओवर डाला था इन्होंने। ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शन आज के मैच के लिए मौजूद है। ठीक है, यहाँ तीन मैच हुए हैं और तीनों ही मैच में हम देखेंगे ड्रीम इलेवन में कौन सा प्लेयर हमें डीटी में सीवीसी निकल के आए। गाइज फर्स्ट इनिंग में बैट्समैन कैप्टन, वाइस कैप्टन, स्पिनर फर्स्ट इनिंग का। सेकंड मैच की हम बात करें, सेकंड इनिंग का बैट्समैन कैप्टन, फर्स्ट इनिंग का स्पिनर वीसी है। थर्ड मैच की हम बात करें, यहाँ पर गाइज ऑलराउंडर कैप्टन है, स्पिनर वीसी है, मतलब तीनों मैचों में हमें एक स्पिनर वीसी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, दो बैट्समैन कैप्टनसी और स्पिनर हमें, मतलब बॉलर्स फास्ट बॉलर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कैसे क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब स्पिनर को आप सीवीसी ट्राई कर सकते हो जीएल के अंदर यहाँ से। ठीक है, मैच का तो यही बोल रहा है। ड्रीम इलेवन की जीएल कॉम्बिनेशन की मैं बात कर लेता हूँ, बैलेंस कॉम्बिनेशन आज आपके मैच में आप बना के चल सकते हो, 5-6 का कॉम्बिनेशन। अब देखिए ड्रीम इलेवन में आप किस प्रकार से जीएल टीम बना सकते हो। पहला, एक विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 5 बॉलर्स के साथ आप जा सकते हो, या 1 विकेट कीपर, 4 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 4 बॉलर्स के साथ आप जा सकते हो, या 2 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर या 4 बॉलर के साथ यहाँ पर आप जा सकते हो। तो ये 3 कॉम्बिनेशन से आज आपकी मैच की टीम बना सकते हो। दोनों टीमों की रिसेंट मैच की हम बात कर लेते हैं। गुजरात टाइटंस का पहले हम बात कर लेते हैं, लखनऊ के सामने खेल के 28 मार्च को मैथ्यू हेड ने 30 रन का पारी खेला, हार्दिक पांड्या 33 रन, 0 विकेट, डेविड मिलर 30 रन, राहुल तेवतिया 40 रन का पारी खेला, एम शमी फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट, वरुण एरोन 2 विकेट, राशिद खान 1 विकेट। फिर हम बात करते हैं दिल्ली के खिलाफ खेला, शुभमन गिल ने 84 रन का पारी खेला, वन साइड रन मैच विन किया था। शुभमन गिल भी सी कैप्टन लोकी फर्ग्यूसन ने अपने बनाया था स्मॉल लीग में। हार्दिक पांड्या 31 रन, 1 विकेट निकाला, डेविड मिलर 20 रन, राहुल तेवतिया 14 रन, मोहम्मद शमी डेप्थ में 2 विकेट निकाले, राशिद खान 1 विकेट। अब देखो शॉर्ट लिस्ट मस्ट पिक क्या है इस मैच के लिए, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, लोकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद शमी, राशिद खान, टोटल प्लेयर हो गए 5, मतलब दो मैचों में से हमें ये 5 प्लेयर कॉमन दिखाई दिए। ठीक है, मैथ्यू वेड स्पेशली फर्स्ट इनिंग में आप ट्राई कर सकते हो, देखो ये हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, अगर ये खेलेगा ना तो अच्छा खासा मारेगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, अदरवाइज तो इनका वही है 10 से 15 के बीच में आउट। डेविड मिलर डिफरेंशियल जीएल पिक हो सकते हैं, अभिनव महनौर की मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं यदि बैट नंबर 3 या 4 पर आते हैं तो ये। ठीक है, तो ये है जीटी के प्लेयर परफॉर्मेंस। विजय शंकर की हम बात कर लेते हैं स्टेट्स की, तो 42 रन, 0 विकेट, 4 रन, 59 रन, 33, 43, 18, बट लास्ट 10 मैचों की स्टेट्स की हम बात कर लेते हैं तो इतना खास हमें देखने को नहीं मिला इनके बैट से। ठीक है, दर्शन नालंगटे की मैं बात कर लेता हूँ, ओवरऑल T20 की मैं बात कर लेता हूँ, 22 मैचों में 43 विकेट है गाइज, स्ट्राइक रेट 10.5 का है और एवरेज 12.76 का। देखो मैं स्ट्राइक रेट के अकॉर्डिंग इनको पिक कर सकता हूँ अपनी टीम में, देखो गाइज जितना स्ट्राइक रेट कम होगा ये उतना ही अच्छा क्वालिटी बॉलर होगा। ठीक है, ये याद रखना आप हमेशा। पंजाब किंग्स की हम बात कर लेते हैं, पहले RCB के खिलाफ खेल के आए 27 मार्च को, मयंक अग्रवाल ने 32 रन, शिखर धवन ने 43 रन, दोनों ने अच्छी शुरुआत की, उनके पास से बानू का राजपक्षा ने 43 रन की पारी खेली, लिम लिविंगस्टोन 19 रन का पारी खेला। केन स्मिथ की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, 25 रन, 0 विकेट, अर्शदीप सिंह की मैं बात कर लेता हूँ, 1 विकेट लिया, राहुल चार ने 1 विकेट। फिर सेकेंड मैच अपना 1 अप्रैल को खेला KKR के खिलाफ,
शिखर धवन 16 रन, बानुका राजपक्षा 31 रन, लिंग लिविंगस्टोन 19 रन। रबाडा ने 1 विकेट निकाला, ओडियन स्मिथ 1 विकेट, राहुल चाहर 2 विकेट। फिर थर्ड मैच इसी वेन्यू पर खेल के आई पीवीकेएस, 180 रन पे 8 विकेट गवाए और 126 पे ऑल आउट कर दिया। धवन ने देखो 33 रन का पारी खेला, लिंग लिविंगस्टोन 60 रन 2 विकेट, जीते शर्मा 26 रन का पारी खेला। विभव अरोरा देखो ये न्यू बॉलर स्पेशलिस्ट है गाइस, फर्स्ट इनिंग में अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किंग्स और रबाडा 1 विकेट, अर्शदीप सिंह की मैं बात करूँ 1 विकेट, ओडेन स्मिथ 1 विकेट लिया, राहुल चाहर 3 विकेट निकाले। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट मस्ट पिक क्या है, शिखर धवन स्टार्ट गुड बट अच्छी पारी में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। ठीक है, मयंक अग्रवाल जीएल के लिए पिक कर सकते हो आप, लिंग लिविंगस्टोन मस्ट पिक है, किंग्स और रबाडा मस्ट पिक, राहुल चाहर मस्ट पिक आज के मैच के लिए, अर्शदीप या ओडेन स्मिथ इनमें से कोई एक हमारे लिए डिफरेंशियल पिक होगा आज के मैच के लिए। जॉनी बेस्ट और रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है, सो जीएल में आप ट्राई कर सकते हो। अब देखो ड्रीम इलेवन की सिलेक्शन परसेंटेज स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं, यहाँ से 70 से लेकर 100% के बीच में टोटल 9 प्लेयर हैं गाइज, मैथ्यू वेट, शिखर धवन, शुभमन गिल, बानुका राजपक्षा, लिम लिविंगस्टोन, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, किंग्स और रबाडा, राहुल चाहर। ठीक है, 70 से 100% के बीच में ये टोटल 9 प्लेयर हैं, सभी 9 प्लेयर को लेके आएंगे और साथ में बोलेंगे हम जीएल भी विन करना चाहते हैं। तो गाइज ऐसा नहीं होगा, अगर आप जीएल खेल रहे हो तो इनमें से आप 6 या 7 प्लेयर को ही जरूर ट्राई करना। ठीक है, सारे को मत लेना, सेफ के रूप में सारे को लेके जा सकते हो। 30 से 60% के बीच में टोटल 6 प्लेयर हैं, इनमें से 3 या 4 प्लेयर हमारे लिए जीएल में मस्ट पिक होंगे आज के मैच के लिए फिर से। ठीक है, 0 से 30% के बीच में टोटल 4 प्लेयर हैं, जिसमें से हमें 1 से 2 प्लेयर ट्राई करना है शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, मेगा ग्रांड लीग के सीबीसी क्या होने वाले, शिखर धवन या मयंक अग्रवाल में से किसी एक को आज आप सीबीसी बना सकते हो मेगा ग्रांड लीग में। हार्दिक पांड्या सेफ है, राशिद खान को डिफरेंशियल बना सकते हो, डेविड मिलर वेरी रिस्की सीबीसी हो जाएंगे इस मैच के लिए। ठीक है, ये गाइस था मेरा एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अभी अपन टीम प्रीव्यू की ओर चलते हैं, कैसा क्या टीम प्रीव्यू रहेगा आज के मैच का लिए। वैसे मैं फाइनल अपडेट आपको टीम प्रीव्यू का टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस टॉस होने के बाद, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।